हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल तैयारी क्लब में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के बारे में जानेंगे। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का क्या प्रोजेक्ट है? ये एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के कॉरिडोर के बीच में इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, इसके साथ ही मैप के बारे में भी जानेंगे इसके, और ये कहाँ से कहाँ तक का रूट है इसका, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही इसका कंस्ट्रक्शन वर्क के बारे में जानेंगे, और दोस्तों साथ ही इसके जो है जो एवरेज कॉस्ट है इसकी क्या कॉस्ट लगेगी और कितने किलोमीटर में ये बनेगा इसके बारे में साथ ही जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके ज़रूर जाना। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं दिल्ली से मेरठ तक का ये मैप है रैपिड रेल का। दोस्तों, इसमें एक एलिवेटेड रूट होगा और एक अंडरग्राउंड रूट होगा। एलिवेटेड रूट में RRTS स्टेशन होगा और अंडरग्राउंड रूट में मेट्रो स्टेशन होगा। इस कॉरिडोर की लेंथ 82 किलोमीटर होगी और ट्रेन की एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होगी। ट्रेवल टाइम बिटवीन दिल्ली एंड मेरठ के इस सफ़र को हम 55 मिनट में सिर्फ पूरा कर सकेंगे। इसकी अप्रोक्स कॉस्ट होगी इस पूरे कॉरिडोर की 30,724 करोड़। और आप यहां पर देख सकते हैं ये सराई काले खां से दिल्ली आनंद विहार साहिबाबाद को जोड़ता हुआ ये प्रतापपुर से मोदीपुरम तक जाके जुड़ेगा मेरठ के। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं ये सराई काले खां से न्यू अशोक नगर आनंद विहार दिल्ली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से साहिबाबाद गाजियाबाद दुहाई प्रतापपुर से मोदीपुरम तक ये मेरठ से लेकर पूरा प्रोजेक्ट यहाँ से तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों, थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, दिल्ली से मेरठ तक दौड़ेंगी 30 रैपिड और 10 मेट्रो रेल। तैयारी को दिया जा रहा है अंतिम रूप। तो दोस्तों, रैपिड रेल प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिए दिनों दिन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पिलर ट्रैक से लेकर ट्रेन सेट तक सभी का टेंडर फाइनल किया जा रहा है। दो प्रमुख चरणों में काम भी तेजी से चल रहा है, जिससे दिल्ली से मेरठ का सफर वर्ष 2025 में 1 घंटे से भी कम समय में पूरा हो सके। शुरुआत में दिल्ली से मेरठ तक रैपिड रेल के 30 ट्रेन सेट और मेरठ मेट्रो के 10 ट्रेन सेट चलेंगे। इसके लिए टेंडर को मई 2020 में फाइनल कर दिया गया था। वेबसाइट पर टेंडर स्वीकार पत्र के डाउनलोड होने के बाद ट्रेन सेट की संख्या आई है। 82 किलोमीटर के इस रेलवे ट्रैक पर मेरठ सीमा में मेट्रो भी दौड़ाने का प्लान है। इसके लिए मेरठ मेट्रो के अलग से स्टेशन तय किए गए हैं। वहीं दोनों ट्रेनों के कोच बनाने का जिम्मा गुजरात में निर्माण कराने वाली बॉम्बार्डियर कंपनी को सौंपा गया है। यही कंपनी रैपिड और मेट्रो के ट्रेन सेट बनाकर NCRTC को सौंपेंगी। कंपनी दोनों डिपो में ट्रेन सेट की मरम्मत का कार्य भी देखेंगी। इसके लिए अलग अलग वर्षों के लिए मेंटेनेंस खर्च भी तैयार किया गया है। 25 अरब का टेंडर होगा ये। गुजरात में स्थित बॉम्बार्डियर कंपनी को ट्रेन सेट का जिम्मा 25 अरब 76 करोड़ 93 लाख 5,936 रुपये में दिया गया है। इस टेंडर में कोच का डिजाइन, दुहाई मोदीपुरम डिपो का रखरखाव, कोच की टेस्टिंग आदि कार्य शामिल हैं। ये है ट्रेन सेट। ट्रेन सेट का मतलब है एक पूरी ट्रेन से है। रैपिड रेल में 6 कोच होंगे। कोच लगने के बाद यह एक ट्रेन सेट कहलाएगा। वहीं मेरठ मेट्रो में एक ट्रेन सेट में 3 कोच होंगे। ये प्रतापपुर से मोदीपुरम तक चलेगी। वहीं रैपिड रेल का रूट मोदीपुरम से सराय काले खां तक होगा। मेरठ के कौन कौन से स्टेशन होंगे इसमें देखिए, प्रतापपुर, रिठानी, ब्रह्मापुरी, मेरठ सेंट्रल, भैंसाली, MES कॉलोनी, डोरली, मेरठ नॉर्थ, मोदीपुरम तक। ये सारी चीज़ें इसमें प्रोजेक्ट में दी गई हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, ये पूरा प्रोजेक्ट हमने आपको समझा दिया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। धन्यवाद।